मुझे हैरानी है कि ब्रह्मदत्त ने अपने अफसर से झूठ क्यों बोला। पिस्तौल बरामद हो चुकी थी, वो चाहता तो रेड अलर्ट करवा सकता था। शायद वो किसी बेकसूर को फंसाना नहीं चाहता था। ब्रह्मदत्त इतना बेवकूफ नहीं है, वो अच्छी तरह से जानता है जब तक गांव वाले उसका साथ नहीं देंगे उसका मकसद पूरा नहीं होगा, और उसका मकसद हमें जड़ से उखाड़ना होगा। मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मदत्त ऐसा चाहता है। शांति, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी उम्र हो चली है, ब्रिज का अंदाजा बिल्कुल ठीक है। तुम बीच में मत बोलो नारायण। क्यों नहीं, आखिर हथियार तो नहीं गया? वो हथियार नारायण ने हमें हिफाजत करने के लिए दिए हैं, और इस परिवार में इतनी क्षमता है कि बिना इसकी राय के हम उसकी हिफाजत कर सकें। शांति, मैंने अपने आप को कभी इस परिवार से अलग नहीं माना। लेकिन फिर भी तुम इस परिवार से अलग हो नारायण। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों में से ये योजना किसकी है, लेकिन जिसकी भी है ये महज एक बेवकूफी है। अच्छा, शंकर को बचाने के लिए पुलिस चौकी जाना और गांव आना, इसे क्या कहेंगे आप? मैं किसी गांव वालों को इस पचड़े में नहीं पड़ने देना चाहता था, लेकिन मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूं। देखो शांति, ब्रह्मदत्त अब गांव वालों का खास है, और गांव वाले ब्रह्मदत्त के सम्मान में कल रात को एक दावत दे रहे, और वो हमारी यहां होगी। गांव के चप्पे चप्पे में अंग्रेज फौज हो, इससे तो बेहतर है यह दावत। अरे नहीं, तुम नहीं बांध सकती, नहीं, तुम छोटी हो अभी, नहीं बांध सकती। एक बार हमें बांधने दीजिए ना। कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, बहुत कुछ तो कहिए ना। आज सब कुछ यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? हाँ, ग्रिफिथ साहब के आने से चौकी का हुलिया काफी बदल गया है। सच माया, मैं मानता हूं मैंने झूठ बोला, लेकिन एक अजीब सी शांति है मन के अंदर। शायद बेकसूरों को सजा नहीं हुई इसलिए। पहले गांव के लोग आपसे कितना डरा करते थे, लेकिन अब कितनी इज्जत करते हैं आपकी। मुझे बड़े साहब से बहुत डर लगता है। अरे क्या बात कर रही हो, बड़े साहब तो बहुत अच्छे हैं। ग्रिफिथ साहब मुझसे कह रहे थे कि उन्हें बहुत खुशी है कि मैंने इस चौकी को संभाल रखा है। उन्होंने तो वायदा भी किया, जैसे ही बंबई जाएंगे जल्दी से जल्दी यहाँ सुविधाएं भिजवा देंगे। वो यहाँ कब तक रहेंगे? चले तो वो कल ही जाते, गांव वालों के कहने पर आज की रात की दावत के लिए रुके। सबा, ये तेरे बिरयानी के चावल आ गए। बस आ गया ना सब कुछ? क्या क्या लाए हो भाईजान? सभी कुछ ले आया मैं, तेल, चावल, गोश्त। और क्या भाईजान, बिरयानी सिर्फ तेल, चावल और गोश्त से थोड़ी बनती है। अरे अपन खाने में यही तीन चीजों का तो पता चलता है ना। लेकिन पकाने में और भी चीजों का हाथ होता है। मैंने बताया था ना तुमको भाईजान, दालचीनी, लौंग, इलायची, केसर, प्याज, लहसुन, ये सब कौन लाएगा? ये सब कुछ मेरे को लाना होगा। हाँ। ऐसा बात, तू एक काम करना, तू खाली तेल, चावल, गोश्त पका दे और दुआ कर, देखना गोरा साहब उंगलियां चाटता रह जाएगा। तेरी दुआ में बहुत असर है। चलो भाईजान, मजाक करते हो, खराब बिरयानी खाकर गोरे साहब ने पूरे गांव को गिरफ्तार कर लिया तो पूरा कसूर तुम्हारी बहन का होगा। अच्छा बाबा, लाता है लाता है। जाओ। की बात सच हो, काश मेरी दुआओं का असर हो। माथा टेक और गणपति बापा से माफी मांग, बोल बापा मैं इस लफड़े में कभी नहीं पड़ेगा। गणपति बापा इसे माफ कर देना, ये अब कभी ऐसा ही नहीं करेगा। मैं इसे बहुत समझाती, मेरी बात ही नहीं मानता। मैं क्या इसका बुरा चाहेंगी? इसको कुछ हो जाएगा तो मैं किधर को जाएंगी, बोल ना तू। अब तीन बार बोल मेरे साथ, गणपति बापा महाकाय देवा। बोल गणपति बापा महाकाय देवा।
गणपति बापा महाकाय देवा, गणपति बापा महाकाय देवा। अब आंखें बंद कर और बोल बापा मेरे को अकल दे। गणपति बापा भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। कहाँ था रे इतने दिन? जब देखो तब गायब रहता है। उस दिन मैं तेरे को बोला था माधवन जा देख लांच में कितना तेल है, मुड़कर देखा तो तू गायब और आज शक्ल दिखा रहा है। आज के गोरा साहब का जश्न मनाने आया है। अपुन को माफ कर दो सेठ, वो क्या है कि अपुन के माँ का तबियत ठीक नहीं था, अभी अपुन उधर जाएगा कसम से। अच्छा अच्छा ठीक है चल, अब क्या है? अरे जा ना। वो एक बात पूछे सेठ। क्या? वो चौकी वाला साहब शंकर को क्यों छोड़ दिया? उसके पास तो ए, चुप कर, चल जाए यहाँ से और जाकर दावत की तैयारी में मदद करा। क्या दावत आवत सेठ, सारा इंतजाम अपुन लोग करे और जिसका जान बचा उस साला बोतल खोल के मस्त है। अरे हाँ ठीक है ठीक है, वो तो है ही ऐसा, चल जा यहाँ से। तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। ब्रिज और नारायण कहाँ हैं? बाहर जंगल की तरफ गए हैं। क्यों? इसलिए तुम्हें वक्त मिला ना मुझसे आकर बात करने का। रोक क्यों दिया? ऐसे बात करना ज्यादा आसान है। कुछ कहो ना। मेरी क्या गलती है मालती? क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे कुछ खोता जा रहा है? अजीब से ख्याल आते हैं मन में, लगता है एक दिन मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं जानता मुझ में क्या कमी है। डर गया था सुमन, बहुत डर गया था। मेरे को लगा वो चौकी वाला साहब मेरे को काल कोठरी में फेंक देगा, मैं इधर बाहर का दुनिया कभी देख ही नहीं पाएगा। सच डर गया था, मेरे को लगा कि मैं तेरे को कभी मिलेगा ही नहीं दोबारा। वो मेरे को तेरे से बहुत दूर भेज देगा सुमन, मैं बहुत डर गया। क्या रे पागल, देख मैं तेरे पास ही चल, मैं कसम खाती है
तेरे को मेरे से कोई अलग नहीं कर सकेगा। तू इधर ही रहेगा, इसी समुंदर के पास ही। देख, मेरे पांव को दरिया का पानी छू रहा है। अभी मैं एकदम आजाद है, सुन। अभी मैं एकदम आजाद है ना? अभी मैं एकदम आजाद है सुमन। देख, याद आएगा जिसे तूने चाहा, शायद आ भी जाए, पर वो ना होगा क्योंकि शिवम को खत्म होना है और वो खत्म होगा। से गुजर रहे थे, गुड्डन तुमसे मिलने की जिद करने लगी, इसीलिए चले आए। दीदी आप बहुत अच्छी दिख रही हैं। चल झूठी। सच में दीदी, देखिए कितना अच्छा गोटे का काम किया है। अम्मा ने तो हमें सिखाया नहीं, वरना हम भी पहन कर आते। गुड्डन, कोई बात नहीं, हम भी आपके लिए ऐसा ही गोटे का दुपट्टा बना देंगे और आपको कढ़ाई का काम करना भी सिखा देंगे। क्या बात है सबा, आज बहुत खास लग रही हो। आज का दिन ही खास है। बहुत अच्छे लगते हैं। हमेशा फीके रंग के कपड़े ही पहनती हैं क्या? जी नहीं, मैं लोगों का साथ देखकर रंग चुनती हूँ। फिर तो शांति को अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाना चाहिए। मुझे यकीन है रंगीन कपड़े आप में ज्यादा अच्छे लगेंगे। With my wife, Malvi. Hey, Suman, तेरे को याद ना? गए बरस क्या मजा किए थे हम लोग। बाप ए यड़ी, क्या सोच रहे तू? चल ना।
है ना? अरे उधर सुमन तेरे को मिलता है। अरे अपने दरिया समंदर कितने वक्त बाद पांव को पानी छुआ। साहब कह रहे हैं उन्हें यहाँ के दरोगा पर भरोसा नहीं है, तुम बताओ सच क्या है। हथियार शिवम के घर से बरामद हुआ था साहब। ब्रह्मदत्त हैज लाइड टू अस सर, व्हाट शुड वी डू? आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ फॉर दिस सर्जन। तुम ब्रह्मदत्त पर नजर रखोगे, हमें शक है कि वो गद्दारों के साथ मिल गया है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब, आपकी तरह से मेरा शिवम बच गया।
कल से हवेली में काम करने आ जाना, आओगे ना? हाँ साहब, आएंगे।